नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की। शनिवार शासन की ओर से धान खरीदी का आखिरी दिन है। बावजूद इसके जबलपुर में अभी तक सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनके हजारों क्विंटल धान सोसाइटी केंद्र के बाहर रखी हुई है। किसानों के पास मैसेज न आने के चलते धान की तुलाई नहीं हुई। ऐसे में अब ये किसान इसलिए भी परेशान है कि अगर सही समय पर इनकी धान नहीं खरीदी जाती है तो फिर या तो ये लोग अपने घर वापस ले जाएंगे या फिर इनकी धान खराब हो जाएगी। परेशान किसान ने घेरा कलेक्ट्रेट कार्यालय को। समय सीमा के बीच किसानों के पास मैसेज न आने के चलते उनकी धान सोसाइटी के बाहर पड़ी रह गई। एक तो बेमौसम बारिश से कई किसानों की धान जहां खराब हुई है, तो वही अब मैसेज न आने के चलते राज्य सरकार उनकी धान खरीदने में हिला हवाली कर रही है। लिहाजा इन समस्या को देखते हुए आज सैकड़ों किसानों ने जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया है। धान खरीदी की मांग कर रहे किसानों का कहना है कि मैसेज न मिलने के कारण किसान की धान खरीदी केंद्र के बाहर पड़ी रह गई। मैसेज न आने से तुलाई भी नहीं हुई, जबकि आज अंतिम दिन है। धान खरीदी को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव दिया। इधर अधिकारी इन किसानों को मनाते हुए नजर आए। वही कलेक्ट्रेट कर्मवीर शर्मा ने किसानों के साथ बंद कमरे में बैठक की। किसानों को कहना है कि जब तक धान खरीदी नहीं होती तब तक वो इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। किसानों को ये भी मांग है कि धान खरीदी की तारीख को बढ़ाया जाए। जबलपुर जिला प्रशासन ने बीते साल की तुलना में इस साल धान खरीदी के लिए केंद्र बढ़ाए थे। बावजूद इसके इसी समय पर मैसेज न आने के चलते हजारों क्विंटल धान की खरीदी होना अभी भी बाकी है। ऐसे में खराब मौसम के चलते पड़े किसानों की धान राज्य सरकार द्वारा न खरीदे जाने से किसानों के माथे पर पसीना आने लगा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सलामत होना चले यहाँ पहले जैसे आवेदन देते हुए सलामत चले यहाँ बैठक तो चल रही है, लेकिन सारे किसान अभी देख रहे हैं आप इतनी संख्या में कम से कम ना हो तो 300 किसान अभी यहाँ वहाँ हैं। समस्या ये है कि SMS नहीं आ रहे हैं। एक SMS छूट गया, सेकंड SMS के लिए बस यही बोला जा रहा है कि SMS आएंगे, SMS आएंगे, सबका निराकरण होगा। माल सबके तुल चुके हैं, कुछ के तुल चुके हैं और कुछ के खड़े हुए हैं। और मौसम को देखते हुए सबके कट्टा पावची कहीं पे किसी की लोडिंग ट्राली सब खड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं खुद 4 दिन से आकर परेशान हो रहा हूँ। बस यही बोल रहा जा रहा है कि मैसेज आ जाएंगे, लिमिट बढ़ा दी है, डेट बढ़ गई है। क्या चाह रहे हैं आपका होना? यही चाह रहे हैं कि जितने किसान हैं सबके कम से कम SMS तो आए, धान तो ले। दीपक पटेल, मुड़ारी, पनांगर एरिया लगता है। अभी तो कुछ नहीं है और हमें मुश्किल लग रहा है। परेशानी ये है कि माल तुलाई हो गई है और SMS आ नहीं रहे हैं, और वहाँ जाओ तो इनको माल भी जा चुका है। दूसरी बात, यहाँ पे अपन आते हैं तो इनको तुलाई की पर्ची चाहिए, ठीक है ना, SMS के लिए करने के लिए। अब तुलाई की पर्ची मिली नहीं तो इनको कहाँ से हम लोग तुलाई की पर्ची दे दें, बताओ ना आप। वहाँ चढ़वाने के लिए जाओ, भैया तुलाई पर्ची, अभी SMS नहीं आया। अब यहाँ भी फंसे हैं, दोनों जगह फंसे, जाएं कहाँ से? डेट बढ़ाई जाए और मैसेज छोड़ा जाए। वीरन कुमार सैन, बहुत ज्यादा समस्या से, क्योंकि इन्हें 3-4 दिन से रोजाना ही आना हो रहा है। देखिए, इनको इनका किसानों का ये कहना है कि इनकी धान वहाँ पे तुलाई हो गई है, केवल इनको SMS नहीं प्राप्त हुआ है सेकंड वाला। तो अगर सेकंड SMS इन तक मिल जाता तो इनका बिलिंग हो जाएगी। इनकी समस्याओं से भी हम कलेक्टर साहब को बात करते हैं, अवगत कराते हैं, उनके नॉलेज में भी है। और जो भी इनकी समस्याओं के शासन तक या इस हमारे जिले स्तर में या शासन स्तर में आवश्यक रूप से इनका समाधान किया जाएगा। अभी खरीदी नहीं हो पाई है और आज इसकी आखिरी तारीख है। हाँ, इसीलिए तो ये लोग हैं, तुलाई हो गई इनकी, इनको SMS मिल जाएगा तो इनकी बिलिंग हो जाएगी। अभी तुलाई भी बाकी है कई जगह सर, तुलाई भी। जो भी इनकी समस्याएं हैं इस पे चर्चा करते हैं सर। डेट बढ़ा दी जाए 25 तारीख शासन तक अवगत कराते हैं कि ऐसा ऐसा लोग बच गए। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।